दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने सपा का वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम और यादव समाज को लेकर बड़ा हमला किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा मुस्लिम और यादव समाज के मतदाताओं को बंधुआ समझती है। अखिलेश यादव जी को या दो वोटों को अपना बंधुआ वोट समझते हैं, एक वो यादवों का वोट वोटरों को वो समझते हैं उनका बंधा वोट है और दूसरा मुसलमानों का वोट को समझते हैं उनकी मजबूरी का वोट है। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, सपा की जाति वाली सियासत पर केशव प्रसाद मौर्य ने चुभने वाला वार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यादव समाज जितना जातिवादी होता है उससे कहीं ज्यादा राष्ट्रवादी होता है। इसलिए अखिलेश यादव जी, आप यादवों के वोट की बात करते हो, यादव जितना जातिवादी होता है उतना ही राष्ट्रवादी भी होता है। केशव प्रसाद मौर्य का संदेश और संकेत सीधा और साफ है कि भाजपा ने सपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा ने तीखा पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जाति और धर्म में जनता को उलझा करके चुनाव में फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। जाहिर है कि यादव समाज के बहाने केशव प्रसाद मौर्य ने सियासत का नया चैप्टर खोल दिया है। Thank you.